पांच महादेव रांची झारखंड पेशेंट मेरा बेटा 13 साल का कान सुनाई कम देता था इसलिए बचपन से था लेकिन हम लोग को पता नहीं चला था 5 साल में पता चला क्लास स्टैंडर्ड 4 से हम लोग को पता चला हमने करीब करीब रांची के सभी डॉक्टर को ENT का सभी रांची का दिखाया फिर इसको मैं पटना लेके गया पटना दिखाया उससे भी फायदा नहीं है होम्योपैथिक रांची का होम्योपैथिक का वो उनको दिखाया उससे भी नहीं प्रॉपर कुछ मिला फिर इसको हम भिलौर लेके चले गए भिलौर दिखाया भिलौर में हमको बोला गया कि आपका हेयरिंग छोड़ के कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है फिर हमने देखा यूट्यूब में हमारे बड़े भैया थे वो देखे वो हमको ये लिंक भेजे फिर लिंक से हमने देखा फिर यहाँ आने का डिसाइड किया हमको तो इम्प्रूव लगा लाल पीयूष नाथ यादव वीडियो के माध्यम से ही हम बोलेंगे कि एक बार जरूर यहाँ आए दिखाएं तब समझ में आती है दूर से तो सब कुछ लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं क्योंकि मेरे को भी पहले लगा था मैं भी सशंकित था मैं राजस्थान में अजमेर के पास एक कस्बा है वहाँ से वहाँ कर मेरे दोनों कानों में साउंड आता था 10 इंच के करीब लगभग 4 या 5 साल से है ठीक है बस ये गार्ड थे उन्होंने इलाज करा सर और आखिर में उन्होंने बोला कि नसें सूख रही है इसका ट्रीटमेंट नहीं है रोक देते फिलहाल अच्छा लग रहा था आशीर्वाद तो सर मालिक का है अगर अपने कीर्ति चौरसिया सागर से आए कान में बहुत साए साए की आवाज़ आती थी उसके साथ चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा चक्कर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है आवाज़ कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है जब आवाज़ बढ़ जाती है सुनाई देना एकदम बंद हो जाता है 4-5 साल हो गए 5 से 7 डॉक्टर को दिखा दिया उन्होंने यही बोला था कि आपके कान की नस खराब हो चुकी है मेडिसिन देते थे कुछ दिन आराम लगता है फिर जब मेडिसिन बंद हो जाती है या मेडिसिन लेने के बाद भी फिर वही प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाती मेरी एक फ्रेंड है म्यांमार में उसने यूट्यूब पे देखा होगा आपका वीडियो हाँ तो फिर उसने मुझे वीडियो भेजा मैंने अपने प्रॉब्लम उसको बताई थी तो फिर उसने मुझे वीडियो भेजा मैंने आपके और 2-4 वीडियो देखे फिर भाई साहब को बताया पीछे से भी सुनाया अभी सुनाई आया अधिक डिस्टेंस से अब सुनाई आ रहा है ना हाँ मैं डॉक्टर मुकेश चौरसिया हाँ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है ना हाँ बिल्कुल आना चाहिए इसमें एक्चुअल क्या है कि करंट टाइम में इसी तरह का जो है कई इंस्टीट्यूशन चलते हैं जिसमें लोग बहुत जल्दी बिलीव नहीं कर पाते लेकिन जहाँ तक मैंने अभी ऑब्जर्व किया है कि वेल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है और आई थिंक जैसा जानकारी होगी लास्ट 40 ईयर से रन कर रहा है यदि किसी प्रकार का कोई विसंगति होती तो इंस्टीट्यूट कभी का बंद हो गया होता सही और मैं मतलब अभी जो सिस्टर के साथ जो उन्होंने ऑपरेट किया विदाउट एनी ऑपरेशन जो इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है इट विल बी मोर इफेक्टिव but within few days or within few months so मैं आम नागरिकों को यही संदेश देना चाहता हूँ इस माध्यम से कि इनकेस मान लीजिए कि आपको यदि इसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इस संस्थान में बिना किसी शंका को विश्वास करते हुए आ सकते हैं और यहाँ अपनी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं जो बहरेपन की समस्या है हमारी बॉडी का जो हर पार्ट है वो मूल्यवान है और इस तरह से यदि
सुनने की भी समस्या है तो हमारा जीवन नष्ट हो जाता है उससे। और यदि वो इम्प्रूव कर रहे हैं हम यहाँ से तो ये बहुत माने ग्रेट टास्क है। और मैं डॉक्टर साहब को भी साधुवाद देना चाहूँगा और पूरी टीम को कि आपने ये बहुत अच्छा एक बिना ऑपरेशन के बिना किसी मशीन के ये सुविधा बना रखी है, ये जनहित के लिए है। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। तकलीफ ये थी कि मुझे इस कान में, मैं रात में सोया और सुबह उठा तो मेरे कान की आवाज़ चली गई, तो वही मुझे एक दिक्कत थी कि और इसमें टीनेटस भी हो गया, तो मैं बहुत परेशान था। तो अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के बाद कि मेरी कान की सुनने की क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ गई। मैं फ़ोन पर बात नहीं कर पा रहा था, अभी मैंने जस्ट ट्राई किया, ये जीता जागता मेरे सामने मेरे लिए बहुत सारा वरदान है कि मैं अभी फ़ोन पर बात कर सकता हूँ, पहले बात भी नहीं कर सकता काफ़ी परेशान था। और ये काम की भी मेरी ऐसी हालत थी कि बहुत सारा पेन हो रहा था, ये काम बनता है इस कान से सुनाई दे रहा था, बट इसी कान पे थोड़ा सा प्रेशर आ रहा था, लेकिन अभी ये कान से सुनाई दे रहा है तो मेरा ये कान भी अभी और भी अच्छा हो जाएगा और ये भी कान अच्छा हो गया है। तो मुझे अभी काफ़ी सारी मेरी जो दिक्कत थी परेशानी सॉल्व।